ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ भाई, क्यों करण जौहर ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया? आज करीब 20 दिन हो गए उन्होंने कमरे से बाहर नहीं निकला। क्या वजह है जो उन्होंने कमरे में अपने आप को बंद किया है? क्या इसके पीछे रीजन है? आप लोग नहीं जानते ना, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई। आज करीब 20 दिन से जब से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है तब से आज तक उन्होंने अपने कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, और उनका खाना, उनका पानी, उनका हंगना, उतना मूतना सब अब कमरे में हो रही है भाई, क्योंकि नेपोटिज्म का चर्चे में उनका नाम सबसे ऊपर है। सुशांत सिंह राजपूत के फैन सवाल कर रहे हैं, आखिर उनकी मूवी ड्राइव को क्यों नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया, क्यों ना उनकी मूवी को थिएटर पर आया गया, क्या वजह थी उसका कारण? तो इसको लेके वो डिप्रेशन में, मेरे को तो लग रहा है वो भी डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि वो ना किसी से बात कर रहे हैं, ना सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, ना ही सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, ना ही वो कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, ना कि कोई कुछ भी उनका कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये बहुत अंदर की खबर है भाई, और मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ खास करके ये उनके लिए कि आखिर क्या वजह है, क्यों। देखो भाई, नेपोटिज्म को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ करण जौहर का है, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि करण जौहर ने ही नेपोटिज्म का सिस्टम चालू किया है, क्योंकि उन्होंने जाहिर किया था एक इंटरव्यू के जरिए। तो क्या वजह है आज उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया भाई? देखो, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में सबसे बड़े डायरेक्ट प्रोड्यूसर के नाम आता है तो करण जौहर का नाम भी तीसरा या चौथा स्थान पर है। तो उन्होंने नेपोटिज्म को बढ़ावा क्यों दिया, क्यों उन्होंने ये कोशिश कर, अगर आप नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं देते तो क्यों अपने आप को आप कमरे में बंद करके रखे हो? क्या वजह है ये? क्यों आप हंगना मूतना खाना पीना सब एक कमरे में कर रहे हो? क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? देखो भाई, ये जब से सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ है तब से लेके आज तक बस सोशल मीडिया पे एक ही चीज़ हो रहा है, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जिसमें सलमान खान, करण जौहर, आलिया भट्ट, अक्षय कपूर, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। तो इसको लेके चर्चा कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए करण जौहर आपको दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे आज करीब 20 दिन से, उनका कोई सा भी नया लुक सामने भी नहीं आया होगा। क्या वजह? अगर आप राइट हो तो आप सामने आओ, खुल के बातें करो सबसे, सेलिब्रिटी हो क्यों उसके पीछे नहीं आ रहे, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उनका साथ क्यों नहीं दे रहे कोई? क्या वजह है आखिर? क्या वो गिल्टी हैं? क्या वो नेपोटिज्म को बढ़ावा देने में वो आगे हैं? क्या वो चीज़ को मान रहे हैं कि नहीं है, मैं इस चीज़ में आगे हूँ? तो बहुत सारी बातें हैं जो कि सस्पेंस है, सस्पेंस बरकरार है। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या ये रियली है, क्या ये सच है कि नेपोटिज्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाले करण जौहर ही हैं? तो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें भाई लोग। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।